आंदोलन को लेकर देशव्यापी हड़ताल का असर अब आम पब्लिक पे भी दिखाई पड़ने लगा है। मैं मौजूद हूँ इस समय राजधानी लखनऊ के हजरतगंज पेट्रोल पंप के पास और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी संख्या में पेट्रोल भरवाने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनके मन में ये आशंका है कि ट्रकों के हड़ताल ट्रांसपोर्ट की बंदी के कारण जो है अब उसका असर उनके ऊपर भी दिखाई पड़ने लगेगा। इसको लेकर काफी संख्या में जो लोग पेट्रोल नहीं भी भरवाते थे वो भी इस मद्देनजर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। शहर के कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। कई पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जहाँ पर पेट्रोल खत्म हो रखा है। सुबह से एक भी सिटी बस मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। इलेक्ट्रिक जो सिटी बसें हैं वो नजर आई हैं, लेकिन जो है सिटी बस जो रोड पर चलती है नजर नहीं आई, जिसका सीधा असर ऑटो और रिक्शा की संख्या में इजाफा दिखाई पड़ रहा है। तो ये असर है, ये अभी कितने दिन चलेगा अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी ट्रक जो भी खाद सामग्री लेके साग सब्जी लेके जो ट्रक फंसी हुई है उसके मद्देनजर हो सकता है कि सब्जियों के दाम में खाद सामग्रियों के दाम में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। आइए हमारी कोशिश होगी कुछ लोगों से बात करने की, आखिर वो किस लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या उनके मन में आशंका है। कि भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा कश्यप है सर। दुर्गा कश्यप जी, क्या रोजाना कितना आए हैं, कुछ जानकारी मिली है तब आए हैं? जी आते हैं तो वहाँ पे इतनी मतलब कितनी भीड़ नहीं रहती है, पर ये जो आदेश हुए इसके बाद से काफी क्राउड है, काफी परेशानी है। ऑफिस अभी जो है अभी निकल नहीं पाया हूँ इसके चक्कर में, क्योंकि ये डायरेक्टली आदेश हो गया है। अनुमान कितने का पेट्रोल भरवाते होंगे आप डेली? कम से कम सर यहाँ पे 5 लीटर तो पेट्रोल कराते हैं। आज क्या उम्मीद लेके आए, कितना फुल करवाना है आपको? 5 लीटर ही कम से कम सोचा गया है कि 5 लीटर ही इसमें करवाऊंगा। अभी देखते हैं कि आगे सभी को जो है पेट्रोल देना है, कितना मिल पाता है कितना नहीं मिल पाता है, ये तो अभी पहुँच कर ही पता चलेगा कि कितना तेल मुझे मिल रहा है। और भी कुछ साथी होंगे, मेरी कोशिश होगी उनसे बात करने की। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित भाई, क्या रोज इसी तरह या कुछ जानकारी मिली है तब आए हैं आप? हड़ताल होने जा रही है। हड़ताल होने जा रही है ये सूचना मिली है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, हड़ताल नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रक कुछ पेट्रोल पंप के बाहर जो है रोड पे फंसे हुए हैं, जिस कारण यहाँ नहीं पहुँच पड़ते हैं। ऐसी हड़ताल की भी कोई आशंका नहीं है, उससे बस न चलने के कारण कुछ पब्लिक जो बाहर से यात्रा करके आ रहे हैं वो भी परेशान है। भैया कहाँ से आप आए हो? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। क्या दिक्कत हुई आपको? भैया कोई गाड़ी मिल नहीं रही है जी, और बस वाले इतनी मनमानी कर रहे हैं, लखनऊ के पैसेंजर को कानपुर उतार रहे हैं। कानपुर उतार रहे हैं, कैसे आदमी आ रहा है कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको कहाँ उतारा है आपको? मुझे लखनऊ, वहाँ कानपुर उतारा है। कानपुर, वहाँ से फिर कैसे आए हैं? ट्रक से आया हूँ। ट्रक से आए, और फिर यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है आपको? सवारी नहीं मिल रही है काफी देर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश है। कुछ स्टूडेंट भी है उनसे मेरी कोशिश होगी। बड़ा क्या नाम है आपका? अश्वनी। कहाँ रहते हो आप? लखनऊ में। क्या दिक्कत हो रही है अभी फिलहाल? ऑटो नहीं मिल रही है, जाना था एग्जाम देने, कल एग्जाम है, अयोध्या जाना था। कितने देर से यहाँ पे खड़े हो आप? 45 मिनट हो गए हैं। जो लोग अभी सरकारी बस स्टैंड पर हैं उनको किसी न किसी तरह से लोकल थाने लोकल पुलिस चौकी इंचार्ज के माध्यम से उस बसों को रवाना किया जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट क्योंकि शहर का मामला है, शहर में स्थिति अभी कोई खास अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पर हड़ताल का सपोर्ट कर रहे हैं जो बहुत ही गलत है प्रशासन के लिए। कितने देर से आप लाइन में खड़े थे? हम यहाँ 1 घंटे से खड़े हैं लाइन में। लाइन में खड़े थे एकदम से, इन्होंने गवर्नमेंट की पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल है। पुलिस प्रशासन भी पेट्रोल पंप है, इसमें कंपनी ऑपरेट करती है। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं? ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पुलिस के कहने पर बंद किया गया है, कंपनी ऑपरेट शामिल है। देख सकते हैं पेट्रोल पंप है, लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल नहीं है। काफी संख्या में लोगों का यही कहना है कि घंटों से लाइन में खड़े होने के बाद यहाँ पर जो है उन्हें पेट्रोल नहीं मिला है।